नमस्कार दोस्तों, नूतन स्टडीज़ के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी खरीदते वक्त हम बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, लेकिन कई बार रियल इस्टेट के ऐसे बेसिक टर्म्स होते हैं जिनमें हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। तो ऐसे ही बेसिक टर्म्स के बारे में आज इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल नूतन स्टडीज़। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कारपेट एरिया की। तो कारपेट एरिया वो एरिया है जिसमें आप एक्चुअली अपना कारपेट ले कर सकते हैं, मतलब जो फर्श आपके पास घर में आपको रिसीव होगी उसी पे आप कारपेट ले करेंगे और वो कहलाता है कारपेट एरिया। तो जितना ज़्यादा आपको कारपेट एरिया रिसीव होगा उतना ज़्यादा आपको स्पेस मिलेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बिल्टअप एरिया की। तो बिल्टअप एरिया वो एरिया है जिसमें कारपेट एरिया के अलावा जो भी आपकी दीवारें हैं वो इंक्लूड रहती है। जनरली बिल्टअप एरिया जो है वो कारपेट एरिया से 25% ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, 25 से 30%। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं सुपर बिल्टअप एरिया की। तो सुपर बिल्टअप एरिया प्लस ऑल द स्पेस कॉमन टू रेजिडेंट्स। अगर आपने कोई सोसाइटी में घर परचेज किया हुआ है तो जितनी भी कॉमन चीज़ें बनी हुई हैं, जैसे कि कॉरिडोर्स हो गए, स्टेयर केसेस हो गए, पार्किंग एरिया हो गए, जिम बना हुआ है, इन सारी चीज़ों का जितना भी एरिया है वो सभी में कॉमन डिवाइड हो जाता है और उसको मिला के जो एरिया बनता है दैट इज़ नोन एज द सुपर बिल्टअप एरिया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस। तो ये वो ऑफिस हैं जहाँ पे आपके प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं। एक स्पेसिफिक ऑफिस है हर एक शहर में जिसमें आपको जाके अपनी प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर करवाना पड़ता है, दैट इज़ नोन एज द सब रजिस्ट्रार ऑफिस। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टाइटल डीड की। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो उस प्रॉपर्टी जो आप ख़रीदना चाहते हैं उसमें आपकी ओनरशिप को प्रूव करता है। टाइटल डीड जो है वो भी आप रजिस्ट्री ऑफिस से या सब रजिस्ट्रार ऑफिस से उसको रिसीव कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सर्कल रेट की। तो सर्कल रेट हर एक एरिया के लिए गवर्नमेंट डिफाइन करता है, ये एक बेस प्राइस की तरह आप इसको मान सकते हैं। इसमें मिनिमम रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस जो होते हैं वो कैलकुलेट होते हैं इसी सर्कल रेट पे। तो आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके अपने शहर के अलग अलग एरिया के सर्कल रेट्स को चेक कर सकते हैं। मुंबई में इसी को रेडी रेकनर रेट भी बोला जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के टाइप की, दैट इज़ नोन एज द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें ओनर जो है वो कंप्लीट या अनकंडीशनल ओनरशिप है उस लैंड की जो उसने परचेस किया हुआ है, या उसके ऊपर कोई बिल्डिंग बनी हुई है तो उसके लिए भी वो कंप्लीट अनकंडीशनल ओनर है, देन इट इज़ नोन एज द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। जनरली आजकल फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ कम मिलती है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी, तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी वो है जिसमें आपको राइट टू यूज़ दिया जाता है या आपका एक्सक्लूसिव पोजेशन तो होता है लेकिन आपके पास ओनरशिप नहीं होती उस रियल इस्टेट प्रॉपर्टी की। और जो आपको पोजेशन दिया जाता है दैट इज़ फॉर द स्पेसिफिक पीरियड, जनरली 30 ईयर टू 99 ईयर्स तक ये आपको प्रोवाइड किया जाता है। सर्टेन कंडीशंस आपको इसमें फुलफ़िल करनी पड़ती है और आप कई सारे चेंजेस इसमें नहीं कर सकते हैं। लीज एग्रीमेंट में जो भी टर्म्स कंडीशन दी हुई हैं उसको आपको फुलफ़िल करना होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं लीज या सेल या कन्वेंस डीड क्या होती है। तो जब भी आप प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको लीज डीड या सेल डीड जो है वो एग्जीक्यूट करनी होती है। अब इसमें डिफरेंस ये है कि लीज डीड में आप जो है कंप्लीट ओनर नहीं होते हैं लेकिन सेल डीड में आप कंप्लीट ओनर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कन्वेंस डीड की और सेल डीड के क्या डिफरेंस है, तो सेल डीड जो है वो लीगल ट्रांसफ़र है प्रॉपर्टी का फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इन केस ऑफ सेल। लेकिन अगर कन्वेंस डीड की बात करें तो अगर आप गिफ्ट के रूप में, एक्सचेंज के रूप में या लीज के रूप में अगर किसी को कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो फिर वो कन्वेंस डीड कहलाती है और उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी की। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। स्टैम्प ड्यूटी जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें आप ये बता रहे हैं कि आपने इस प्रॉपर्टी के लिए टैक्स पे किया हुआ है एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ द प्रॉपर्टी। अब रजिस्ट्रेशन ऑफ जो प्रॉपर्टी का है और स्टैम्प ड्यूटी जो है वो आपके कितने सेल डीड की वैल्यू है उस पर डिपेंड करता है। जनरली ये जो स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू है ये स्टेट टू स्टेट अलग अलग डिफर होती, अलग अलग चेंज होती रहती है। कई स्टेट में ये 3 से 4% है, कई इसमें 8% तक भी है। और जनरली हर एक स्टेट में अगर आप वुमेन हैं तो उनके लिए स्पेसिफिक कुछ डिस्काउंट दिया जाता है, जनरली 1% का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। ये मतलब कि आपके इस पे कोई एनक्रोचमेंट हो रखा है या नहीं, इस
के रिलेटेड एक सर्टिफिकेट है जो रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार ऑफिस जो है आपको प्रोवाइड करता है आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन। आपको इसके लिए कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं और फिर आपको ये रिसीव होता है। ये पता करने के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं कि जो आपकी प्रॉपर्टी है वो मॉर्गेज से फ्री है या नहीं है, क्या लीज है और क्या रिस्ट्रिक्शंस है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें इजीली मिल जाती है और आप इसमें एक डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट से पता कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं म्यूटेशन की। तो म्यूटेशन वो प्रोसीजर है जो ऑफिस आपके गवर्नमेंट ऑफिसेस में जो भी प्रॉपर्टी है उसमें अगर लीगली आप रिकॉर्ड को चेंज करना चाहते हैं या ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी नाम पे, तो वो चीज़ कहलाती है म्यूटेशन। लीज डीड साइन होने के बाद में म्यूटेशन होता है, उसमें आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में ये प्रॉपर्टी का नाम जो है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद फ्लोर प्लान। तो फ्लोर प्लान एक रिप्रेजेंटेशन है जो ये बताता है कि आपका अपार्टमेंट टोटल कंप्लीट होने के बाद में कैसा दिखेगा, हर एक फ्लोर पे क्या क्या चीज़ रहेंगी, किस तरह से और कहाँ कहाँ रहेंगी। इसके अलावा FSI, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। जनरली टोटल बिल्टअप एरिया और टोटल एरिया जो है उस एरिया गवर्नमेंट ने जिसके लिए परमिट कर रखा है उस लोकेलिटी में, इसका रेशो जो है दैट इज़ नोन एज द फ्लोर स्पेस इंडेक्स। तो मतलब एक पर्टिकुलर प्लॉट के ऊपर आप कितना बिल्टअप एरिया खड़ा कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज द FSI। तो कई शहरों में कई एरियाज में FSI 2, 3, 5 तक भी होता है, तो इट इज़ नोन एज द फ्लोर स्पेस इंडेक्स। उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं तो उसके ऊपर होने वाला गेन जो है दैट इज़ नोन एज द कैपिटल गेन टैक्स। अगर आपने प्रॉपर्टी को 2 साल रखा हुआ और उसके बाद अगर आप बेचना चाहते हैं तो उस पर अगर आपको कोई गेन हुआ है दैट इज़ नोन एज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और उसमें आपको टैक्स देना पड़ता है जो कहलाता है, जो कैलकुलेट होता है 20% आफ्टर इंडेक्सेशन। तो इंडेक्सेशन कैसे वर्क करता है इसके लिए भी एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने बना रखा है, ऊपर आई बटन में जाके आप उस वीडियो उसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ऐसा सर्टिफिकेट है जो लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी आपको प्रोवाइड करती है ये सर्टिफाई करने के बाद में कि ऑल द वर्क्स जैसा कि सेंक्शन प्लान में उसके अकॉर्डिंग अगर फुलफिल हो गया है देन ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता है। क्या क्या चीज़ें चेक की जाती है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सीवरेज, फायर फाइटिंग के कोई ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि नहीं, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को चेक किया जाता है और उसके बाद क्लियरेंस देने के बाद में आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट रिसीव होता है, जिसको OC भी बोलते हैं। इसके अलावा एक और टर्म है पावर ऑफ अटॉर्नी। ये एक लीगल वे है जिसके थ्रू आप अपने जो भी राइट्स हैं वो किसी और पर्सन को प्रोवाइड कर सकते हैं। रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्रिंसिपल मतलब कि जो पर्सन ओनर है वो किसी और पर्सन को अपॉइंट कर सकता है ऑन हिज और हर बिहाफ कि वो उसके अलग अलग डिसीजंस को रियल इस्टेट टर्म्स में ले सकता है। इसको पावर ऑफ अटॉर्नी बोला जाता है। जनरली अगर आप आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं तो किसी पर्सन को आप नॉमिनेट करते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं और वो आपके एवज में ये सारे काम करता है, दिस इज़ नोन एज द पावर ऑफ अटॉर्नी। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। मैं आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल नूतन स्टडीज़। थैंक यू।